मुंबई का स्ट्रीट फूड। हेलो बाइटर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेक एंड बाइट। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं फिर से वापस मुकबैंग के साथ। बहुत लोग याद आ रही थी मुकबैंग की बहुत लोगों को, और हम उसी को लेके वापस आ चुके हैं। तो हमारे पास आज है हम सभी का फेवरेट मुंबई का स्ट्रीट फूड। यस, तो मुंबई के स्ट्रीट फूड में आपको पता ही है क्या क्या फेमस है। सबसे नंबर वन पे आता है अपना फेमस वड़ा पाव। वड़ा पाव तो वड़ा पाव तो रहेगा, और ये मुंबई का ही नहीं पूरे इंडिया में ये सब नोन ही है। yes, मतलब सब लोग खाए ही है, एक ना एक बार तो खाए ही है। इंडिया का सारा स्ट्रीट फूड आज हमारे सामने सब पकड़ लो। मतलब सब तो नहीं ला सकते अभी, बट जितना ला सके उतना ला सके, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या क्या अपने पास। तो सबसे पहले इधर दही पूरी बहुत टेस्टी होती है, ऊपर से मस्त दही रहता है और चटनियाँ रहते हैं ग्रीन और रेड। उसके साथ है हमारे पास मोमोज, जो है चिकन मोमोज, और उसके साथ है मेयो और लाल चटनी उसका। yes. और उसके साथ है मुंबई का फेमस वड़ा पाव जो हमने स्टार्टिंग में बोला, और उसके साथ है समोसा भी हमें बहुत पसंद आता है, आपको पता ही है। ये है दही कचोरी हम लोग ने एक विद चटनी लिया है और एक विदाउट चटनी, ताकि आपको पता चले कि विदाउट चटनी अंदर क्या होता है कैसा और अंदर भी क्या होता है। और जलेबी भी हम लोग ने दो टाइप के जलेबी लिए, एक येलो एक ऑरेंज। तो उसके साथ है यहाँ पर चाउमीन, जो दिल्ली में काफी फेमस है देखने गए तो, स्ट्रीट चाउमीन तो वो भी लिया है। तो उसी के साथ इधर और एक डिश है जो जिसको बोलते हैं दाबेली। तो बहुत यम्मी होती है, टेस्टी होती है, और उसमें सबसे मेन बात मेरे को जो मसाला और उसके अंदर जो सिंगदाना और सिंगदाना जो ऐसे कॉर्नर पे लगा के देते और प्याज, आहा, उसकी वजह से और टेस्ट आता है। तो ये हमारा स्पेशल मेन्यू आज का। अगर आपको अब तक ये पसंद आया रहेगा मेन्यू, तो अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो और ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हो तो। तो चलो अभी शुरुआत करेंगे हम फेमस वड़ा पाव के साथ। तो भाई वड़ा पाव टेस्ट करते कैसा है। ये देखो, ये है पाव और ये है वड़ा, और उसी के साथ हमें मिलती है हरी मिर्ची। तो ये देखो, ये अभी हम तोड़ रहे हैं, ये देखो, आहा, चटनी के वजह से और अच्छा टेस्ट आता है। ये लगा दिया चटनी, वड़ा पाव। मिर्ची, बहुत दिन बाद वड़ा पाव खाया, मज़ा आ गया। अब वड़ा पाव खाया तो अब बढ़ते समोसा की तरफ, उसके भाई की तरफ। तो जहाँ वड़ा पाव का नाम है वहाँ समोसा का तो नाम आता ही है। चटनी के साथ खाएंगे भाई। क्या बताओ। ऐसे पहले दिखा देते दही पूरी। ये देखो दही पूरी, क्या बात है। भाई अंदर जो बटाटा डाला है, चटनियाँ डाले है, और फिर ऊपर से दही और फिर सेव, आहा, मज़ा आ गया। ख़त्म, एक प्लेट ख़त्म।
क्या साइज है देखो दही पूरी का, एक नंबर। मजा आ गया भाई। अब बढ़ते हैं मोमोस। अब इसमें इसे डुबा के आपको मोमोस के साथ मेयोनीज पसंद है या लाल चटनी कमेंट में जरूर बताना। ये लिया पहले मेयोनीज, और ये लिया लाल चटनी। लाल चटनी और मेयोनीज दोनों मेरे स्टाइल में। तो अब बढ़ते हैं क्रिस्पर चाउमीन। दही का चटनी भी है नहीं, लेकिन चाउमीन थोड़ा, अभी मेरे को चाउमीन खाने का मन कर रहा है। शेजवान चटनी इसमें डालेंगे, इसको फिर ऐसा लिया। चाउमीन शेजवान डाल के चाउमीन में मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे को स्पाइसी बहुत पसंद है। तो अब बढ़ते हैं दाबेली की तरफ। फेवरेट फेवरेट खत्म। अब मैं दिखा देता हूँ दाबेली में है क्या। ये देखो इसका अंदर का मसाला रहता है, और फिर ये देखो पूरा सिंगदाना प्याज। आहा मजा आ गया। पहले दाबेली थोड़ी स्पाइसी थी, मेरे को दाबेली के अंदर का सिंगदाना पसंद है, पर स्पाइसी थी पता नहीं, पहली बार मेरे को दाबेली स्पाइसी भी दिया। बढ़ते कचौरी की तरफ, और कचौरी दो टाइप के हैं, एक है पूरी भरी हुई, यस, और एक है पूरी खाली। तो खाली के अंदर होता क्या है थोड़ा तो सोचते रहेंगे ना लोग, ऐसे स्ट्रीट पे दिखता है तब, तो हम दिखा देते हैं आज।
ये देखो अंदर इसके ये होता है, क्या है? ऐसे देखने के तो कुछ भी नहीं होता है बट कुछ तो है। ये देखो ये कुछ तो है, मसाला है थोड़ा, कोई तो आलू का होगा शायद। हो भाई भरी हुई कचौरी। हाँ गिरेगा संभल के। अंदर से जो जो उतना क्या बोलते हरा चटनी लाल चटनी जो भी रहता है अंदर, बहुत मीठा है। मजा आया? कौन सा मजा? मेरे को कुछ भी मजा नहीं आया। वो एकदम मीठा था दही कचौरी, कैसे तो लग रहा था। देख भाई मीठा हो तीखा हो खाना तो पड़ेगा। तो ये है येद्दो जलेबी और ये है ऑरेंज जलेबी। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये बहुत कम खाया मैंने। और एक होता है लाल कलर का भी होता है, वो भी देखा है। एक काम कर इसको तू शेजवान चटनी में डालेगा, मीठे को तीखा बना के खाना पड़ेगा, अच्छा लगेगा अभिषेक। जलेबी बोले मेरी कुछ इज्जत है कि नहीं? इतना इतने मुश्किल से मैं मीठी बनी थी तीखी बना दी। क्या आपने कभी ऐसा खाया है? नहीं खाया तो अभी ट्राई करके देखो। लेकिन सच में टेस्ट अभी बीच का आ रहा है, इसके लिए वो मैं खा पाया। अभी एक एक वड़ा पाव जो बचा है वो हम लोग ने आपके लिए रखा है। जल्दी आओ और खा लो। मजा आ गया भाई, ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही हो गया। फुल मजा आ गया। असल में सारा स्ट्रीट फूड एक दिन में पूरे पेट के अंदर है अभी। पूरे पेट के अंदर। और ना कभी कभी एक वड़ा पका लिया, एक समोसा पका लिया, ऐसे सब कुछ एक साथ खाने बहुत कम मिलता है। तो आज हम लोग ने उसका लुफ्त उठाया। यस। और यही आपको देख के अगर सब कुछ पसंद आया रहेगा तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपने अब तक वीकेंड बैट को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मुकबैंग में, कुछ ना कुछ तो खतरनाक लाएंगे ही। तब तक आप खाओ पियो और मौज करो। और सैटरडे को जो वीडियो आने वाला है वो इतना अच्छा, इतना मतलब मेहनत उसके पीछे और इतना टीम वर्क है कि मतलब इतनी मेहनत डाली है, बहुत सारे लोगों की मदद है उसमें और बहुत मजा आया हमें वो शूट करने भी। तो सैटरडे को जो वीडियो आएगा वो सब लोग प्लीज देखना। और इतना बोल सकते हैं कि 3 मिलियन जो हुआ हमारा उसके खुशी पे, उसके खुशी पे कुछ हमने किया है, वो आपको समझेगा क्या किया है क्या नहीं किया है, बट बहुत धमाका है और बहुत कुछ है। तो सैटरडे को सुबह 11 बजे वो वीडियो आएगा, तो प्लीज रेडी रहना। तब तक चलो, तब तक खाओ पियो और मौज करो। बाय।